Hello students. Now in this class we will be discussing section 124A of Indian Penal Code. Now this is very important from mains examination point of view. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड इन दिस क्लास वी विल बी डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की डेट में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। नाउ ये अभी न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली अभी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अपने इस चीज़ को बोला है कि वो सेक्शन 124A को हटा देंगे। अभी ये सेक्शन 124 क्या है उसे हमें समझना है। सी, देश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एंड देश के अगेंस्ट बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और जो ख़तरनाक गतिविधि है देश के अगेंस्ट जो होती है, जिससे देश को खतरा हो सकता है, दैट इज़ आर्म्ड रिबेलियन। कुछ लोग हथियार लेके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, कुछ लोग हथियार लेके सरकार की मशीनरी के अगेंस्ट हो जाएं, ये सारी चीज़ें हैं सेडिशन। सिर्फ सरकार के खिलाफ कुछ बोलना या सरकार का कुछ नॉमिनल या नॉर्मल सा क्रिटिसिज्म करना, ये सारी चीज़ें सेडिशन के कैटेगरी में नहीं आती हैं। ये थॉट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये थॉट हमारा आज डेवलप हुआ है इन चीज़ों को लेके। बट व्हेन इट कम्स टू दिस सेडिशन लॉ, ये सेडिशन लॉ आया कब है? देखिए, जितने भी हमारे पास लॉज हैं, स्पेसिफिकली जो क्रिमिनल लॉज हैं हमारे पास, उसमें इंडियन पिनल कोड में इस सेडिशन लॉ को हमने डाल दिया था 1870 में। तो ये जो सेडिशन में एडिशन हुआ है, ये ब्रिटिशर्स ने ये एडिशन किया हुआ है। उस टाइम पे ब्रिटिश ने एडिशन इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि देश में जो देशभक्ति की भावना है, जो नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था लोगों में, वो डेवलप ना हो पाए। क्योंकि जब देश लोगों में देशभक्ति की भावना आ रही थी तो लोग अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें बोल देते थे, बहुत क्रिटिसिज्म कर देते थे। और इसी लॉ के अंडर, सेडिशन लॉ के अंडर, दैट इज़ आईपीसी 124A के अंडर, उन्होंने बहुत लोगों को अरेस्ट किया। पूरा जब हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो ये सेडिशन लॉ के अंडर बहुत सारे नेशनलिस्ट को अरेस्ट किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें है महात्मा गांधी। बट इसी सेडिशन लॉ को हमने ना तो हमने इसको डिलीट किया अपनी लॉ बुक से, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा एडिट किया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम अपना संविधान देखते हैं, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी डोंट फाइंड दिस वर्ड सेडिशन एंड इट इज़ नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट व्हेन इट कम्स टू द लॉ बुक्स, बट व्हेन इट कम्स टू द क्रिमिनल लॉ दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंडियन पिनल कोड, वहाँ पर हमारे पास ये वाला लॉ है। तो संविधान में नहीं है बट वी हैव इट इन द अवर लॉ बुक्स। नाउ इंडिपेंडेंस इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता रहा है। बहुत लोगों को हम अरेस्ट कर लेते हैं ये कह के कि वो देश के अगेंस्ट कोई गतिविधि कर रहे हैं, देश के अगेंस्ट हेटरनेस फैला रहे हैं और देश को तबाह करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, व्हाट इज़ सेडिशन? अगर हम सेडिशन लॉ का डेफिनेशन देखते हैं, सेडिशन लॉ में बहुत सिंपल डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। ना, सब्जेक्टिव का क्या मतलब है? तो सब्जेक्टिव हेयर मीन्स उसका बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट इट हैज़ गॉट ओनली वन इंटरप्रिटेशन, देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दैट वी कैन ड्रॉ आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन लॉ। अभी क्या क्या है सेडिशन लॉ में? सेडिशन लॉ में ये बोला गया है कि अगर आप कुछ भी चीज़ बोलते हैं या कुछ भी चीज़ ऐसी लिखते हैं या कोई आप ऐसा साइन पेश करते हैं या आप किसी को कोई मूवी दिखाते हैं इस तरह की, जिससे वो आदमी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंसाइट हो जाता है दूसरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट एक्ट करने के लिए। यहाँ पे दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या है? स्टेट है। तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है इस लॉ का। एंड जब इस लॉ का मिसयूज़ होता है तो बहुत लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया रहा है इस लॉ को लेके? हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 हमारे पास ऐसे केस हैं जहाँ पे जुडिशरी ने इस लॉ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन दिया है। जुडिशरी ने इस लॉ को बहुत इनडेप्थ समझा है। ना, सबसे इम्पॉर्टेंट केस हमारे पास केदारनाथ केस है 1962 में। ना, 1962 केस में, केदारनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया
कि जो सेडिशन लॉ है ये तो ठीक है, इट इज़ कंपैटिबल विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये सेडिशन लॉ तभी लगाया जाना चाहिए किसी के अगेंस्ट जब बहुत वैलिड प्रूफ हो कि वो किसी को इंसाइट कर रहा है देश के अगेंस्ट एक्ट करने के लिए. एंड इस इंसाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो वायलेंस के लिए प्रेरित कर रहा है किसी को. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेडिशन लॉ इज इट शुड बी मेड एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इफ देर इज अ वैलिड प्रूफ दैट समवन इज इंसाइटिंग द अदर पार्टी टू इंडल्ज इन द वायलेंस. अगर वायलेंस का इशू नहीं है, अगर कुछ ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेके किसी को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आप ये कह रहे हैं सरकार के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं किया है, तो उस केस में आप इस लॉ को मत लगाइए किसी के भी अगेंस्ट. नो दूसरा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी केस. अभी ये मेनका गांधी केस में क्या है, देखिए मेनका गांधी केस ने हमारे संविधान को इंटरप्रेट करने के मायने चेंज कर दिए हैं. नो व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 का बहुत ज़्यादा ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन किया है मेनका गांधी केस में हमने. एंड उस केस में आज़ादी दे दी गई है लोगों को कि अपनी वो ज़िंदगी खुल के जी सकते हैं, और खुल के जीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में भी हम ये कहते हैं कि लोगों को बोलने का हक है जो भी वो चाहते हैं. तो आप किसी को दबा नहीं सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडर आर्टिकल 19. एंड आर्टिकल 21 भी यही चीज़ कहता है. सिर्फ अभी रिसेंटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कन्हैया कुमार के खिलाफ JNU में सेडिशन का केस दर्ज हुआ, उनके खिलाफ पर्चा दाखिल किया गया, FIR किया गया, FIR लॉन्च किया गया अंडर सेडिशन लॉ. क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नारेबाजी किया था. एक नारेबाजी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास, भगवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस. ये भी बहुत पुराना केस है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे. एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ नारेबाजी करने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप सेडिशन का लॉ एप्लीकेबल कर दीजिए किसी के ऊपर. नाउ अगर पूरे दुनिया भर में हम देखते हैं, देयर आर वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे देश हैं हमारे पास, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है विद रिस्पेक्ट टू द सेडिशन लॉ. नाउ वी हैव यूनाइटेड किंगडम, जहां से हमने बोरो किया ये लॉ, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने आके इस लॉ को हमारे देश में लगा दिया, तो वहां पे उन्होंने इसको खत्म कर दिया है. 21st सेंचुरी में बहुत सारे देशों ने, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देशों ने इस लॉ को हटा दिया है, बिकॉज इस लॉ को समझा जाता है कि यह दबाव डालता है लोगों के राइट्स के ऊपर, इट एंडेंजर्स द राइट्स ऑफ द पीपल, उनके राइट्स को ख़त्म करता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इतना जितना एनालिसिस मैंने किया है, अगर इतना एनालिसिस आप लिख के आएंगे पेपर में, डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन द मेंस इस टॉपिक पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन जरूर आता है जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहता है जब भी हम क्लासेस करते रहते हैं. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव बीन वर्किंग वेरी वेरी हार्ड फॉर डूइंग ऑल दीज क्लासेस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम योर एंड. एंड हाउ यू कैन प्रोवाइड दैट सपोर्ट, यू कैन प्रोवाइड द सपोर्ट बाई शेयरिंग दिस वीडियोज, द वीडियोज दैट वी आर एक्चुअली डूइंग ऑन द वेरियस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिए. And if you want to join my batch in Chandigarh or in Delhi for the civil services preparation, you can contact my team at 84594-0000. Bye-bye, take care, have a nice day.